हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, 28 जुलाई, शिफ्ट वन का। द इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 बाई एक्स नैनोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दिस इक्वेशन एक्स स्टैंड्स फॉर। एक्स किसके लिए होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखते हैं हम लोग बच्चों, ये होता कितना है? तो ये होता है एच अपॉन मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम क्या लिखते हैं? तो मोमेंटम लिखते हैं रूट ओवर 2m, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से मोमेंटम क्या मिलेगा? रूट ओवर 2m के, और यहाँ से m, और काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ये मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब देखिए, आप जब इसको सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, जब आप यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एच का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर जो आता है ना, वो आता है 12.27 अपॉन, ये पोटेंशियल तो दिया हुआ है नहीं, तो ये वी रह जाएगा, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम हो जाता है, और यहाँ पर रूट ओवर वोल्ट आता है, ठीक है। ताकि जब यहाँ वोल्ट रखेंगे आप, मान लो जितना वोल्ट भी देगा, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, वो सब इसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सारी वैल्यूज़ रखने के बाद एच, मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आता है यहाँ पर 12.27, बट ये एंगस्ट्रॉम में है। तो अगर इसको नैनोमीटर में लिखोगे तो एक डेसिमल और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये रूट ओवर वी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नैनोमीटर रूट ओवर वोल्ट। अब अगर कंपैरिजन करें तो ये तो 1.227 बाई एक्स के बराबर है। तो ये एक्स, यहाँ से देखो कंपैरिजन करके, यहाँ वोल्ट से कंफ्यूज नहीं होना, वोल्ट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स मालूम नहीं है क्या है, इसलिए यहाँ वोल्ट नहीं लिखा हुआ है। बट इससे कंपैरिजन करो तो ये क्या आ रहा है? एक्स, इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्या स्टैंड कर रहा? रूट ओवर वी, मतलब यहाँ वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।